जय श्री राम, जय हनुमान, ओम श्री हनुमन्ते नमः। हनुमान जी का आशीर्वाद सदा आप पर बना रहे। हनुमान जी के आशीर्वाद से आपका भाग्य उदय हो, जीवन में सुख समृद्धि सौभाग्य बढ़े, आपका कल्याण हो। निश्चय प्रेम प्रतीत ते विनय करे सम्मान, तेही के कारण सकल शुभ सिद्ध करे हनुमान। हनुमान जी आपको भाग्यशाली बनाए, संकट से रक्षा करो। हे महावीर हनुमान, संकट मोचन कृपा निधान। जय हनुमान, जय जय हनुमान। तुला राशि वालों, शनिवार का दिन, आपकी कुंडली में केतु, बृहस्पति, शुक्र का प्रभाव, राहु की छाया, शनि और मंगल की दृष्टि। सूल योग में मूल नक्षत्र 2:58 तक जिसका स्वामी केतु बृहस्पति के साथ आपको प्रभावित कर रहा है, उसके बाद पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र जिसका स्वामी शुक्र है, अपने प्रभाव से आपके जीवन में अपार सफलता, सुख समृद्धि सौभाग्य लेकर आया है। आज आप केतु बृहस्पति शुक्र के प्रभाव से प्रभावित हैं, राहु की छाया, शनि और मंगल की दृष्टि है। बड़ी सफलता, कामयाबी, खुशखबरी, भाग्य में धन संपत्ति का सुख है और जीवन में खुशियों को बढ़ाने वाला केतु बृहस्पति और शुक्र। केतु आज आपकी कुंडली के लग्न में बैठा है। केतु में इच्छा शक्ति है, केतु में साहस है, केतु में समृद्धि है, केतु में आगे बढ़ने का हौसला है। केतु में बहुत इच्छा शक्ति होती है। केतु जब शुभ होता है तो आपके जीवन में आप बहुत तेजी से आगे बढ़ते हैं, आपके करियर ग्रोथ में बहुत देखने को मिलती है उन्नति, आपके जीवन में बड़े लाभ, सुख समृद्धि बढ़ती है, भाग्य का सितारा बुलंद होता है और आपका जीवन सुखी होता है। केतु जब लग्न में गोचर करता है और केतु के ऊपर शनि की दृष्टि पड़ जाए और शनि शुभ अवस्था में सुख स्थान में गोचर करे तो केतु आपको माला माल बना देता है। मूल नक्षत्र का केतु बड़ा शुभ होता है। केतु के प्रभाव से आपके जीवन में बड़े बड़े काम होते हैं, बड़ा नाम होता है, जीवन सुख समृद्धि में बीतता है, धन की कमी नहीं होती, अपने कार्य से आपको मान सम्मान मिलता है। जो भी काम आप करते हैं उसमें मान सम्मान की प्राप्ति करते हैं, क्योंकि केतु में इच्छा शक्ति प्रबल है, केतु में अद्भुत शक्ति होती है। शुभ केतु आपकी किस्मत को बदलने का क्षमता रखता है और केतु के प्रभाव से आपका जीवन सुखी होता है। बृहस्पति और शुक्र, आज बृहस्पति आपकी कुंडली के छठे भाव में मार्गी होकर गोचर कर रहे हैं। अब बृहस्पति की चाल सीधी भी है और तेज भी है। बृहस्पति जो मंगल को प्रभावित कर रहा है, बृहस्पति जो चंद्रमा को प्रभावित कर रहा है, बृहस्पति जो सूर्य को प्रभावित कर रहा है, आपके लिए बृहस्पति का प्रभाव ऐश्वर्यपूर्ण जीवन, प्रभावशाली और दाम्पत्य जीवन में बहुत ही सुख की प्राप्ति होगी। पर शुक्र आपकी कुंडली में धन स्थान में बैठा है, साथ में बुध है, सूर्य है। धन स्थान में जब शुक्र का गोचर होता है, लग्न का स्वामी जब धन स्थान में बैठ जाता है तो आप थोड़े घमंडी हो जाते हैं, क्योंकि आपका जीवन अच्छा होता है, आपके जीवन में सुख समृद्धि बढ़ती है तो थोड़ा घमंड भी आपके अंदर आ जाता है। भाग्य आपका अच्छा है क्योंकि आज शनि आपकी कुंडली के सुख स्थान में बैठा है जिसकी दृष्टि आपकी कुंडली के कर्म स्थान पर है, और कर्म स्थान का स्वामी चंद्रमा आपकी कुंडली के पराक्रम भाव में बैठकर अपनी दृष्टि से आपके भाग्य स्थान को देख रहा है। चंद्रमा जब पॉजिटिव एनर्जी से भरपूर होता है तो आपके इरादे मजबूत होते हैं, मजबूत इरादा को लेकर आप आगे बढ़ते हैं और बहुत जल्दी आपके जीवन में कामयाबी सफलता मिल जाती है। आप किसी से प्रेम करने लगते हैं, आपको प्यार हो जाता है, क्योंकि शुक्र बुध के साथ बैठा है। जब शुक्र बुध के साथ गोचर करता है तो किसी से आपको प्रेम हो जाता है और आप अपने प्यार में थोड़े दीवाने हो जाते हैं। 26 वर्ष के उम्र तक आपके जीवन में संघर्ष होता है, फिर आपको सफलता मिल जाती है, जीवन में आनंद सुख बढ़ता है,
बड़े लाभ सुख की प्राप्ति होती है। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र का शुक्र आपके जीवन में प्रेम बढ़ाता है, आपके जीवन में सुख बढ़ाता है, आपके जीवन में समृद्धि सौभाग्य लेकर आता है। आप बड़े भाग्यशाली हैं क्योंकि केतु आज लग्न में बैठा है। केतु जब देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। विचित्र माया है केतु की, क्योंकि केतु जब शनि से प्रभावित हो जाता है और शनि का प्रभाव आपकी कुंडली में शुभ होता है, उस समय केतु धन ख्याति संपत्ति आपके जीवन में लेकर आता है। आपकी किस्मत अच्छी है, आप कड़ी मेहनत करते हैं तो निश्चित ही आपका भाग्य बदलेगा। कर्म करने का दिन है, यानी अपने कर्म से अपने जीवन का सुख प्राप्त करेंगे। बड़ा भाग्यशाली योग है, ऐसे योग में तो आपके जीवन में अखंड सफलता मिलती है, भाग्य का वरदान मिलता है। जब मंगल बृहस्पति जो मित्र ग्रह है आपके जीवन में बड़े सुख देंगे। बृहस्पति दाम्पत्य जीवन का सुख देगा तो मंगल धन का सुख देगा, क्योंकि मंगल इस समय आपकी कुंडली के अष्टम भाव में बैठा है और मंगल की दृष्टि अपने घर पर है, यानी आपके धन स्थान का स्वामी मंगल है। और मंगल अष्टम भाव में बैठकर अपनी पूर्ण दृष्टि से धन स्थान को देख रहा है, जहां पर सूर्य बैठा है, बुध है, शुक्र है। सूर्य के साथ मंगल की मित्रता है और सूर्य आपके लिए लाभ स्थान का स्वामी है। लाभ स्थान का स्वामी जब धन स्थान में बैठता है तो जीवन में सुख तो बढ़ता ही है। सूर्य के कारण आपके आत्मविश्वास बढ़ेंगे, विदेश जाने का योग बनेगा, आपके खराब रिश्ते अच्छे हो जाएंगे, रिश्तों में सुधार देखने को मिलेगा और नौकरी व्यापार आपका अच्छा चलेगा, क्योंकि आप में ऊर्जा है, आप में साहस है, आपके जीवन में समृद्धि है, तो ज्यादा लाभ होगा, सुख समृद्धि आपके जीवन में बढ़ेगा। भाग्य का प्रबल प्रभाव आपके जीवन को बड़ा सुखी बनाएगा। वैसे भी आपकी कुंडली में जो ग्रहों की दशा है, खास करके शनि 17 जनवरी तक आपके जीवन में बड़े सुख देंगे, वहीं बृहस्पति 22 अप्रैल तक आपके भाग्य को बदलने की क्षमता रखता है। शुभ कर्म करते जाएं, आप हैरान हो जाएंगे, आपके जीवन में आपकी दशा इतनी तेजी से बदलेगी। बड़े लाभ सौभाग्य आपके जीवन में प्राप्त होगा, बड़े भाग्यशाली आप बनेंगे, यानी हर काम में आपको सफलता मिलेगा, अधिकार क्षेत्र में तरक्की होगी, इच्छाओं की पूर्ति होगी। मंगल धनेश है, सतमेश है, अष्टम भाव में बैठा है, धन स्थान को देख रहा है, तो अचानक आपके घर में मांगलिक कार्य होंगे, बच्चों की विवाह होगी, बच्चों की नौकरी लगेगी। और बुध जो शुक्र के साथ धन स्थान में बैठा है, बिजनेस में धन आएगा, शुक्र के प्रभाव से नए रिलेशनशिप बनेंगे। ये आपके जीवन का गोल्डन पीरियड है, आप स्टेबल हो जाएंगे, यानी आपके जीवन में जो उतार चढ़ाव थी अब नहीं होगी, आपके जीवन में स्टेबिलिटी आने वाली है। जिस अच्छे समय का आप इंतजार कर रहे थे वो अच्छा समय 24 नवंबर से ही आरंभ हो गया है, जो 22 अप्रैल तक देखने को मिलेगा। और 17 जनवरी तक आपके जीवन में कोई बड़े परिवर्तन होंगे, कोई बड़ा बदलाव होगा। 17 जनवरी तक आपके जीवन में बहुत कुछ आपको मिलेगा, नई नौकरी मिलेगा। अगर आप नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो आपके परिश्रम का पुरस्कार भी आपको प्राप्त होगा, अपने लक्ष्य की प्राप्ति करेंगे। शनि अपने घर में शुभ स्थिति में गोचर कर रहा है, आपके कुंडली के सुख स्थान का स्वामी है, सकारात्मक प्रभाव आपके जीवन में दे रहा है, जिससे आपकी आमदनी बढ़ेगी, आमदनी के रास्ते खुलेंगे। शनि देव के प्रभाव से आने वाला समय आपके लिए और भी अच्छा होते जाएगा, शुभ फल की प्राप्ति होगी। आपका प्रोफेशनल लाइफ बड़ा सुंदर है। जो मन में परेशानी थी, जो जीवन में बाधा था, जो रुकावटें थी, आप सफलता में बदलेंगी। खुद पर भरोसा रखें, अपनी मेहनत पर भरोसा रखें, अपने उत्साह को बनाकर रखें, सभी कार्य आपके पूरे होंगे, क्योंकि आप कर्मठ हैं, पराक्रमी हैं, मेहनत करना जानते हैं, तो धन सुख बढ़ेगा, आपके जीवन में बड़ी सफलता सौभाग्य की प्राप्ति होगी। ये समय आपके लिए बड़ा शुभ है, जो आपके जीवन में बहुत कुछ आपको देगा।
धन ख्याति मान सम्मान आपके जीवन में आपके इरादों को मजबूत बनाएगा। भाग्य के धनी होंगे, भाग्यशाली सौभाग्यशाली होंगे, क्योंकि शुक्र का प्रभाव भी धन स्थान में अच्छा है। शुक्र आपके लग्न का स्वामी है, आपकी पर्सनालिटी को डेवलप करता है, जिसकी बदौलत आप अपने जीवन में सुख समृद्धि पाते हैं। राहु बड़ा बलवान होकर सप्तम भाव में बैठा है, जिसकी दृष्टि आपकी कुंडली के लग्न पर है। आपका भाग्य बदलता है, अचानक आपके जीवन में शोहरत इज्जत मिलती है, जीवन में एक नई शुरुआत होती है, क्योंकि राहु भी शुभ है, केतु की अवस्था भी शुभ है, शनि भी शुभ है और बृहस्पति भी शुभ है। आज आपकी कुंडली में केतु बृहस्पति शुक्र का प्रभाव है, राहु की छाया शनि मंगल की दृष्टि है। मन में बड़ा उत्साह है, आप बड़े चतुर हैं, बड़े तेजस्वी हैं, यानी आपकी जीवन में शुभ समाचार भी मिलेगा, भाग्य का साथ भी मिलेगा, जीवन में आप तरक्की भी करेंगे और आपकी जीवन में लाभ धन की प्राप्ति भी होगी। आप खुश भी रहेंगे, आपके भाग्य को मजबूती प्रदान करेगा, कर्म की इच्छा जागृत करेगा, लाभ का अवसर देगा, सुख धन अपने आप आपके जीवन में बढ़ता चला जाएगा। क्योंकि आपकी कुंडली में इस समय जो ग्रहों की प्रभाव है अति शुभ है, कर्म का फल देने वाला शनि शुभ अवस्था में सुख स्थान में बैठा है, तो आपके जीवन में शुभता आएगी, नई नौकरी के अवसर मिलेंगे, अच्छे लोगों से आपके संपर्क बढ़ेंगे, जिससे सफलता आमदनी के रास्ते खुलेंगे। लव लाइफ में अचानक सब कुछ अच्छा होने लगेगा, क्योंकि शुक्र शुभ है, शुक्र की दृष्टि जो है आज आपके लिए बेहद प्रभावशाली होगी, क्योंकि शुक्र आपके जीवन में बड़ा सुख देता है, लग्न का स्वामी है, आपके जीवन को प्रभावित करता है। आज आपका मान सम्मान, कार्य में सफलता, नौकरी व्यापार में तरक्की, सब कुछ आपको प्राप्त होगा। और स्टूडेंट के लिए समय बड़ा शुभ है, क्योंकि आपके जीवन में बड़ी सफलता आपको मिलने जा रही है। 17 जनवरी तक आपके जीवन में बड़ी सफलता आपको मिल जाएगी और 22 अप्रैल तक आपका जीवन पूरी तरह से सेटल हो जाएगा। शुभ काम करते जाएं, जीवन में शुभता बढ़ेगी, आप सफलता हासिल करेंगे, भाग्य सौभाग्य अच्छा है तो आपकी महत्वाकांक्षा पूरी होगी, आपके जीवन में बड़े लाभ सौभाग्य का योग बनेगा। तुला राशि वालों, आज का दिन 4 चरण में व्यतीत होगा। प्रथम चरण का स्वामी मंगल है, द्वितीय चरण का स्वामी शुक्र है, तृतीय चरण का स्वामी बुध है, चतुर्थ चरण का स्वामी चंद्रमा है। प्रथम चरण का मंगल आपके धन स्थान का स्वामी है, सप्तम भाव का स्वामी है, अष्टम भाव में बैठा है, दृष्टि धन स्थान पर है, जहां सूर्य बैठा है लाभ स्थान का स्वामी है। यानी मंगल की शक्ति पाकर सूर्य और भी ज्यादा ताकतवर होगा। जब लाभ स्थान का स्वामी ताकतवर होता है तो जीवन में लाभ धन की प्राप्ति होती है, आपके अंदर पॉजिटिविटी आती है, आपके करियर को नया ग्रोथ मिलता है और मन की चिंताएं दूर होती है। द्वितीय चरण का स्वामी शुक्र जो बुध के साथ धन स्थान में बैठा है, लग्न का स्वामी है, आपका व्यक्तित्व बड़ा सुंदर होगा, आपके अंदर साहस ऊर्जा होगा, मन में एक विश्वास होगा, जीवन में उमंग होगा, तो आपके जीवन में खुशियों के फूल भी खिलेंगे, उम्मीद से ज्यादा लाभ भी होगा और बड़ी तरक्की भी आप प्राप्त करेंगे। तृतीय चरण का स्वामी बुध जो आपके भाग्य स्थान का स्वामी है, वो भी धन स्थान में बैठा है, शनि से प्रभावित है, आपके लिए धन समृद्धि भाग्य से प्राप्ति होगी। और चतुर्थ चरण का स्वामी चंद्रमा जो कर्म स्थान का स्वामी है, प्राक्रम भाव में बैठा है, जिसकी दृष्टि भाग्य स्थान पर है, तो भाग्य की प्रबलता भी बढ़ेगी, जीवन में लाभ भी मिलेगा, सुख भी मिलेगा, धन की प्राप्ति भी करेंगे। ये समय आपके लिए बड़ा सुंदर है। आपके भाग्योदय का समय तो 24 नवंबर से ही आरंभ हो गया है, आगे आगे देखते जाइए आपको क्या क्या मिलता है, सिर्फ अपने कर्म को करते जाएं, बाकी सब कुछ अपने भाग्य पर छोड़ दें। भाग्य अच्छा है तो किस्मत बुलंदी पर जाएगा, आपके जीवन में अपार सुख संपत्ति मिलेगी, बेशुमार धन आप कमाएंगे और आपके जीवन में इज्जत शोहरत आपके मान सम्मान को बढ़ाएगा। तो तुला राशि वालों, विस्तार से राशिफल जानने से पहले
चलिए जानते हैं आज का शुभ मुहूर्त, ग्रहों की दशा, आज का पंचांग। 26 नवंबर शनिवार का दिन, माघ माह शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि, सूल योग, मूल नक्षत्र 2:58, केतु बृहस्पति का प्रभाव, केतु जिसका स्वामी है, उसके बाद पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र का उदय जिसका स्वामी शुक्र है, चंद्रमा आपकी कुंडली के पराक्रम भाव में गोचर कर रहा है, केतु बृहस्पति शुक्र का प्रभाव है, राहु की छाया है, शनि मंगल की दृष्टि है, भाग्य उदय का योग है, आपकी जीवन में अपार खुशी सुख की प्राप्ति होगी। सूर्य बुध की युक्ति है, आपका जीवन बेहतर बनेगा, एक नई शुरुआत आपकी जीवन में, बड़े सुख धन सफलता कर्म से सुख आपके जीवन में, संतान की तरक्की भाग्य का साथ मिलेगा। शनि देव महाराज आपकी कुंडली के सुख स्थान में बैठकर आपके संकट को दूर करेंगे, समय शुभ है, परिस्थिति बदलेगी, भाग्य बदलेगा, आपके जीवन में बड़े शुभ काम होंगे, हर तरफ सफलता के झंडे गाड़ेंगे, खुशियां बढ़ेगी, धन कमाएंगे, आपके जीवन में बड़े सौभाग्य का योग है, धन कारोबार में सुधार आएगा, नौकरी अच्छा चलेगी, संतान की तरक्की होगी, आपके जीवन में शुभ काम होंगे, आप बड़े भाग्यशाली बनेंगे। भाग्य का सितारा बुलंद है, आपके लिए समय बड़े लाभ लेकर आया है, आपके जीवन में संपत्ति उन्नति का योग है, आपके लिए खुशी सुख का योग है, आपका जीवन बड़ा भाग्यशाली होगा, आपके जीवन में अपार सफलता, शुभ समय की शुरुआत, 17 जनवरी तक परिणाम की प्राप्ति और 22 अप्रैल को आपके जीवन में बड़े लाभ का अवसर। आने वाला समय आपके लिए शुभ है, आने वाला साल आपके लिए शुभ है, बड़े भाग्यशाली आप हैं, आपके जीवन में सुख समृद्धि बढ़ेगा, धन बढ़ेगा, कार्य से सफलता मिलेगी, मान सम्मान की प्राप्ति होगी, भाग्य का सितारा चमक रहा है। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:05 से 5:58, मूल नक्षत्र का केतु आपके जीवन में सौभाग्य देगा, इच्छा शक्ति जागृत करेगा, आगे बढ़ने का हौसला देगा, आपकी परिस्थिति को बदलेगा। अमृत काल 9:12 से 10:39 बृहस्पति के प्रभाव से परिवार में खुशियां बढ़ेगी, मन में उत्साह बढ़ेगा, अपने जोश और उत्साह से काम करेंगे। तो अभिजीत मुहूर्त 11:47, शनि मंगल की दृष्टि आपके जीवन में अपार खुशी सुख और आगे बढ़ने का रास्ता दिखाएगा। जबकि विजय मुहूर्त 1:54, केतु बृहस्पति शुक्र के प्रभाव से भाग्य का सितारा चमकेगा, आपके जीवन में बड़े लाभ सौभाग्य का योग है, बड़ी तरक्की होगी, बड़ी खुशखबरी मिलेगी। रवि योग 2:58, आपके जीवन के कष्ट बाधा दूर होने लगेंगे और आपके जीवन में सुख बढ़ने लगेगा। आज का राहु काल 9:30 से 10:49, राहु काल के दौरान किसी भी शुभ काम का श्री गणेश ना करें, पूरब दिशा की तरफ से दिन की शुरुआत ना करें, आपके लिए लकी कलर व्हाइट होगा, लकी नंबर 9 होगा, आप बड़े भाग्यशाली हैं, आपके भाग्य का सितारा चमक रहा है, हनुमान जी का दर्शन करें, हनुमान जी की पूजा करें, आपके जीवन में अपार सुख है, धन संपत्ति का योग है, समय शुभ है, अच्छे परिणाम मिलेंगे, हनुमान जी के आशीर्वाद से किस्मत बदलेगी, हनुमान जी के आशीर्वाद से किस्मत चमकेगी। तो ग्रहों पर आधारित अपने राशिफल के लिए राशिफल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में किसी भी देवी देवता का नाम लिखें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे इसी राशिफल कार्यक्रम में, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें, आपका दिन शुभ हो, जय श्री राम, जय हनुमान।